आज हम हैं सेक्टर P3 के कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ पे यमुना प्राधिकरण द्वारा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए ड्रॉ का सफल आयोजन कराया गया है। हमारे साथ हैं ACO मोनिका रानी मैडम। मैम प्लीज़ बताइए कि किन किन कैटेगरीज में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों को यहाँ प्लॉट्स अलॉट हुए हैं? आज यमुना प्राधिकरण के द्वारा जो औद्योगिक भूखंड आवंटन का आयोजन किया गया था, और जो काफ़ी शांतिपूर्वक काफ़ी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर और सभी की संतुष्टि के साथ इस कार्य को संपन्न कराया गया, इसमें 68 प्लॉट थे, जिसमें 2314 अहर हमारे ऐसे आवेदक थे जिन्हें इस ड्रॉ में शामिल किया गया था और उन्हें 68 प्लॉट का आवंटन किया गया। ये जो आवंटन था वो टॉय पार्क में था, हैंडीक्राफ्ट में था और MSME में था, और इसमें जो प्लॉट के साइज़ थे वो 450 से लेके 1800 स्क्वायर मीटर के बीच में थे, और इसके अलावा जो हमारे स्टार्टअप में कुछ हमारा रिजर्वेशन था तो उसके अंतर्गत आवंटन किया गया। मैम जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत ही कम प्लॉट्स थे, तो जिनको नहीं मिले हैं प्लॉट्स उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण कटिबद्ध है कि इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो, और इसको दृष्टिगत रखते हुए भी ऐसे जो भी निवेशक हैं, जो भी ऐसे उद्यमी हैं जो आगे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अपना निवेश करना चाहते हैं और उद्यम लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भविष्य में भी योजनाएँ आएंगी और वो उसमें आवेदन कर सकते हैं, और मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि वो सफल होंगे। इस ड्रॉ का रिजल्ट कब तक अपडेट कर दिया जाएगा? आज शाम तक इसकी सूची जो है वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। थैंक यू मैम, धन्यवाद।